गुजरात विधानसभा चुनाव जो दिसंबर 2022 में होने वाले हैं, इन पर फिलहाल पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। पिछले 27 सालों से यहां भाजपा की सरकार है, वहीं फिलहाल विपक्ष के रूप में गुजरात में आम आदमी पार्टी उभर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार गुजरात में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एबीपी न्यूज की ये वीडियो रिपोर्ट ट्वीट की और लिखा कि गुजरात के मूड को समझने के लिए इसे जरूर देखें। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। बहरहाल ऑल्ट न्यूज के पास उनके ट्वीट के स्क्रीन रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसमें आप आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम मेंबर कपिल का ये रिप्लाई भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात बीजेपी का सबसे मजबूत किला है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात पर पूरा जोर लगा रही है। अरविंद केजरीवाल दो दिन के दौरे पर, अभिषेक उपाध्याय की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिसंबर माह में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव जीतने की रणनीति बना ली है। दिल्ली सरकार में एपीएमसी के चेयरमैन आदिल अहमद खान और आम आदमी पार्टी सूरत की महिला विंग की सचिव सरोज ववलिया ने भी ये वीडियो शेयर किया था। वहीं फेसबुक और ट्विटर पर आपके समर्थक अकाउंट्स ये वीडियो रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। हालांकि ऑल्ट न्यूज ने तफ्तीश के दौरान पाया कि एबीपी न्यूज की इस वीडियो रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। केजरीवाल ने ये दावा किया था कि आईबी के रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। गुजरात के चुनावी राजनीति के वादों और वायरल वीडियो में यहाँ पर कट है। इस बात को ध्यान में रखकर हमने YouTube पर सर्च किया, हमें 16 अक्टूबर 2022 की ये वीडियो रिपोर्ट मिली। वायरल वीडियो का शुरुआती हिस्सा यहाँ से उठाया गया है। असली रिपोर्ट और वायरल वीडियो को एक साथ रखकर देखने पर मालूम होता है कि ओरिजिनल वीडियो रिपोर्ट को सिर्फ काटा नहीं गया है, बल्कि उसके वॉइस ओवर और टिकर को भी बदला गया है और कुछ सेकंड का हिस्सा कहीं और से डाला गया है। एबीपी न्यूज के एक्चुअल रिपोर्ट में वायरल वीडियो के बीच का हिस्सा कहीं भी नहीं दिखता। अरविंद केजरीवाल दो दिन के दौरे पर फिर से गुजरात पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने ये दावा किया था कि आईबी के रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट इससे दो कदम आगे निकल गए हैं। सवाल यह है कि क्या आईबी की रिपोर्ट से केजरीवाल को क्लू मिल गया है? सवाल यह भी कि क्या वाकई आईबी की कोई ऐसी रिपोर्ट होती भी है? गुजरात के चुनावी राजनीति के वादों और दावों की हकीकत विस्तार से बताती एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की ये ग्राउंड। तो जैसा कि आपने देखा, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो एडिटेड है और इस एडिट किए गए वीडियो रिपोर्ट को आप नेताओं और समर्थकों ने भ्रामक दावे के साथ शेयर किया है।